तो ये लिफ्ट लगी है अस्करी 3 में, ये देख लें आप, सबको चाहिए। इसकी जो कॉस्ट है वो है 25 लाख, तो जिसके पास 25 लाख है ना वो आ जाए और लिफ्ट लगवा ले अपने अपार्टमेंट। तो ये है, सबको चाहिए, लेकिन फैसला पैसों का है। पैसे जो हैं वो हैं नहीं लोगों के, इसलिए उनको प्रॉब्लम होती है लिफ्ट लगाने में। फ्लैट सबसे ऊपर वाला फ्लोर है, आपको किराए पे चाहिए तो इसका 1 लाख किराया, अगर आपको ख़रीदना है तो सबसे ऊपर वाला 5.5 करोड़ का, और आपको नीचे वाला ख़रीदना तो 7 करोड़ का। तो प्राइस मैंने बता दी, नीचे का किराए पे लेना है 1.5 लाख का, ऊपर का लेना है 1 लाख की किराया है, लिफ्ट लगानी है 25 लाख की है, ऊपर का फ्लैट ख़रीदना 5.5 का है और नीचे का ख़रीदना 6.5-7 का है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है लोगों को प्राइस बताना। जब जेब में पैसे होंगे जब ही आओगे ना लेने, तो इस तरीके से ये मसला है इसका। इसका जो मेंटेनेंस बिल है वो है 10,000 रुपये महीने का फ्लैट का, जिसके अंदर स्वीपर, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस प्रोवाइड की जाती है, और लाइट का बिल अलग आएगा, गैस का बिल अलग आएगा, इंटरनेट का बिल अलग आएगा। तो ये है, इसके बिल जो है अलग अलग आएंगे, तो काम वाली रखेंगे काम वाली का बिल अलग आएगा, तो वो सारे बिल जो हैं आपसे अलग अलग आएंगे। तो देख लें, ये लिफ्ट है 25 लाख रुपए की है, जब ये शुरू में लगी थी 25 साल पहले तो 5 लाख की थी, अब ये हो गई है 25 की। तो फ्लैट भी यहाँ पे जब था शुरू में तो किराया 10,000 था, अब हो गया 1 लाख ऊपर का, नीचे का तो फिर भी 1.5 लाख है, पुराना किराया जो था वो 20,000 का। तो इस तरह ये फ्लैट जो है ये अस्करी 3 आर्मी हाउसिंग के हैं, तो ये फौजियों को अलाट हुए थे। सबसे ऊपर वाला जो फ्लैट है ना, ये सबसे सस्ता मिला था 5 लाख रुपए, और वह भी फौजियों की तनख्वाह में से कटा था। तो ये 5 लाख का फ्लैट हो गया 5.5 करोड़ का, और ये 5 लाख की लिफ्ट हो गई है 25 लाख की, और ये किराए पे कोई लेता नहीं था, फ्री में रहने आते थे लोग, तो अब इसका किराया हो गया 1 लाख और नीचे वाले का 1.5 लाख। और यहाँ पे शुरू में 1,000 रुपये मेंटेनेंस थी, अब 10,000 हो गई है। तो पुरानी मेंटेनेंस जब ये कॉम्प्लेक्स बना था उस वक्त कितनी थी? 1,000 रुपये, अभी कितनी है? 10,000। उस वक्त लिफ्ट कितने की थी? 5 लाख की, अभी कितने की है? 25 लाख की। उस वक्त फ्लैट मिला था 5 लाख का, अभी कितने का है? 5.5 करोड़ का। उस वक्त किराया था 10,000, अभी कितना है? 1 लाख ऊपर वाले का। अगर नीचे का लेंगे तो पहले पुराना किराया कितना था? 20,000, अब नया किराया कितना? 1.5 लाख। तो ये है सूरत हाल। तो प्राइसें बढ़ती रहती है ना, तो उसका भी आपको अंदाज़ा होना चाहिए। अब 5 लाख का फ्लैट लिया, 1 लाख रुपये किराया मिल रहा है, तो आप समझ लें कि कितना पै। तो ये है सूरत हाल। अभी ये बंदा गुजर गया है, इसका फ्लैट खाली पड़ा है, तो किसी को किराए पे चाहिए हो तो बताएं, लिफ्ट के साथ है। तो बहुत सारे फ्लैट हैं उसमें लिफ्ट ही नहीं, तो उसके अंदर रहना मुश्किल होता है, तो इस वजह से लिफ्ट के साथ है। तो वो आ जाए, किराए पे चाहिए, 1 लाख में मिल जाएगा आपको लिफ्ट के साथ, वरना बगैर लिफ्ट के भी लेंगे तब भी किराया इतना ही, तो किराया नहीं चेंज होने वाला। तो ये इसकी सूरत है। इसका दरवाज़ा फ्रंट से भी यही रखा हुआ है ना, और जीना अंदर से भी, दो एंट्रेंस बनी है। तो एक एंट्रेंस ये है, यहाँ से अंदर जाएं, अंदर जाके उल्टे हाथ पे सीधे हाथ पे ए बी कैटेगरी, और दूसरा
ये है, ये दूसरी इंट्रेंस है, तो ये बना ये है दूसरी इंट्रेंस, फ्रंट से और अंदर से। तो दो दो जगह से आप ग्राउंड फ्लोर पे साइड में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे आपको सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड फ्लोर। ओके, अल्लाह हाफिज़।